All right, good morning everyone. Till the time others are joining in, let me take a quick recap of what we did in the last class. Right, so last class mein hum logon ne case of limiting reagent ke aage ka discussion kiya tha. We did one question and then we talked about parallel reaction. राइट पैरेलल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंट रिएक्शंस शो करेंगे तो ये हमारा केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन होगा एंड इन दैट मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी बताया था किस तरीके से वी विल प्रोसीड डिपेंडिंग अपॉन द डेटा दैट इज गिवन. सो वी केम अक्रॉस टू मेथड्स, वन जहाँ पर हम लोग रिएक्शंस को अलग अलग ट्रीट करते हैं एंड वन जहाँ पर हम लोग कंबाइन करके रिएक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं. कंबाइन करने के लिए हमें ये रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स पता रहेगा तो बेटर रहेगा. ठीक है, सो वी वुड नो हाउ टू कंबाइन द रिएक्शंस. ठीक है, देन इसके ऊपर बेस्ड आई गिव वन और टू क्वेश्चंस इन विच इट वाज अ केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट मिक्स्ड. ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था. देन हम लोगों ने केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन डिस्कस किया था एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम दैट वॉज दैट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिख के आए दैट इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन. हो सकता है कि आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़े. एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन both from the reactant side as well as the product side. The answer always comes out to be the same. And we did one or two questions. Okay, trying to understand this concept of percentage yield. ठीक है, great. इसके ऊपर based मैंने फिर आप लोगों को कुछ homework दिया था. Right, that homework was something which was from the booklet only. And I hope you guys are doing that homework on time. And in case you get stuck somewhere, तो आपके help के लिए वहाँ पे मैंने video solutions भी डाले हुए हैं. So over and above that, if you are again not able to do a question or something, जैसे मैंने आपको बताया था WhatsApp group है अपना जिसपे आप अपने doubts post कर सकते हो and there can be a discussion over it. ठीक है. Now, continuing from where we left in the last class, एक बार मैं quick recap दे देता हूँ आप लोगों को. In the stoichiometry part, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है. So we have done simple reactions and unka analysis. We have done case of limiting reagent. We have done series or sequential reactions. We have done
पैरेलल रिएक्शंस, राइट? एंड इन द लास्ट क्लास वी ऑल्सो डिड द केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है? आज हम लोग इसके एडिशन में एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कॉल्ड POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा. बट एज अ क्विक ओवरव्यू, इनके इनको कंबाइन करते हुए भी, इन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करते हुए भी, यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चंस जहां पर यू विल हैव टू सॉल्व फॉर द अननोन्स. नाउ बिफोर वी मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ POAC, लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन, ठीक है? एंड दिस इज रिलेटेड टू द केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन ओनली. लेट्स सी आप लोगों को समझ में आता है क्या. सो आई विल मिक्स टू कॉन्सेप्ट्स. आई विल मिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? याद हो तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस निकालना. सो लेट्स यूज दैट. सो यू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. प्योर O2 इज कन्वर्टेड टू ओजोन, ठीक है, O3, इन अ रिएक्शन वेसल. If at a certain time average molecular weight of mixture is say 40 gram per mole, then determine percentage completion of reaction. Try करो. नहीं हर्ष, लाइक आपने केयरलेस मिस्टेक कर दी है. आई नो आपने क्या केयरलेस मिस्टेक करी है. इट्स अ वेरी कॉमन केयरलेस मिस्टेक. इट्स ओके. नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज क्या गड़बड़ हुआ, ठीक है? फॉर अ हिंट, लेट मी गिव यू अ स्टार्टिंग हिंट फॉर रेस्ट ऑफ द गैंग. किस तरीके से आप लोग प्रोसीड कर सकते हो उस क्वेश्चन को लेकर. सो यू कैन यूज द इक्वेशन 3O2
इज गिविंग 203, ठीक है, दिस कैन बी योर बैलेंस्ड इक्वेशन. इट्स नॉट अ ईजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर हिंट. ठीक है, लेट द हिंट बी दैट स्टार्ट टू डू द एनालिसिस. स्टार्ट में क्या होगा, कितना रिएक्ट प्रोड्यूस करेगा, राइट, एंड एंड में तो नहीं जा रहा है रिएक्शन, इन बिटवीन ही रह रहा है, तो क्या रहेगा. सो यू कैन स्टार्ट विद वन मोल ऑफ O2, or if you want, you can take variable also. Okay, I don't mind. You can take variable. It's up to you. Answer दोनों से आएगा. ऐसा नहीं रहेगा कि answer change हो जाएगा. It will be the same, but just value लेने से, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ ऊपर question में कोई hard data नहीं दिया हुआ है. There is no hard data given with respect to moles or anything. नहीं, प्रशस्त गौतम नहीं, आप दोनों का आंसर सही नहीं है. तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन वेरी वेल स्टार्ट बाय सेइंग वन मोल नथिंग ऑफ O3, एंड देन यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अगर इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ओजोन के 2/3x मोल्स बनेंगे. कैसे आया ये, यू लुक एट द कोफिशिएंट्स. ठीक है, यू लुक एट द कोफिशिएंट्स एंड यू शुड बी एबल टू गेट दिस, कि अगर इसके एक्स मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो O2 के कितने मोल्स बनेंगे. सो यहाँ पर ये बच जाएगा 1-x और ये बन जाएगा 2/3x. नाउ हाउ डू यू सॉल्व फॉर x फॉर दिस मिक्सचर दैट इज देयर. ठीक है, फॉर दिस मिक्सचर यू हैव बीन गिवन that the average molecular weight is 40. ठीक है, तो अब आपको इसको यूज करना है और आइडेंटिफाई करना है हाउ यू कैन डू दैट. ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन टू यू एस 40. चलो अभी तो ट्राई करो एटलीस्ट. अब ये मत कहना कि मुझे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला याद नहीं है. एंड चलो मैं इतना भी मान लूंगा कि आपको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैसियस मिक्सचर का फॉर्मूला याद नहीं है, बट देन एटलीस्ट इतना एफर्ट डालना आपको पड़ेगा दैट यू शुड गो बैक इन योर नोट्स, फाइंड आउट कहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, उसका फॉर्मूला देखो और अप्लाई करो. ठीक है, हो सकता है आपने रिवाइज नहीं कराओ, दैट्स ओके, बट अभी आपके पास में नोट्स तो होंगे ही ना.
आई थिंक थर्ड लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कभी तो देखा होगा हमने ये. देखो वहां पर जाओ, आइडेंटिफाई करो एंड देन गेट मी द आंसर. हर्ष, प्रशस्त, गौतम, देखो अपने आंसर्स कहाँ पे गड़बड़ हुए हैं. आया इसके बेसिस पे नहीं सॉल्व कर पाया अभी तक. एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या था? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला था टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स. दैट्स द जनरल फॉर्मूला. एंड इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड मॉलिकुलर वेट दिस वॉज द वे इन विच वी आर सपोज टू राइट. राइट, सो 1 माइनस एक्स मोल्स है किसके? ओ टू के. ओ टू का मॉलिकुलर वेट है 32. देन 2/3 एक्स मोल्स है ओजोन के और उसका मॉलिकुलर वेट है 48 अपॉन द टोटल मोल्स इज 1 माइनस एक्स प्लस 2/3 एक्स एंड दिस इज गिवन एज 40. When you solve for this, you will get x is equal to 3/5. ठीक है. Does percentage completion, ठीक है, कितना reaction complete हो जाएगा is something that now you can solve for easily. Percentage completion would be equal to moles reacted. अपॉन इनिशियल मोल्स इन टू 100%. ठीक है, तो कितने मोल्स रिएक्ट हुए O2 के? 3/5 और इनिशियल मोल 1 था. सो गेट योर आंसर एज 60%. ठीक है. अभी जिस जिसका आंसर मैच नहीं करा है, हर्ष, ईश्वरी, गौतम, प्रशस्त का मैच कर गया, ठीक है, बाकी लोगों का जिनका मैच नहीं करा है, आप लोग देखो, आइडेंटिफाई करो कहां पर क्या केयरलेस मिस्टेक हुआ है. इट विल बी इंपॉर्टेंट. लेट मी जूम आउट.
ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं इन लाइंस पर बेस, लेट्स सी। ठीक है, काफ़ी सिमिलर सा क्वेश्चन दूंगा, लेट्स सी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इफ वी स्टार्ट विद प्योर NO2 which then dimerizes into N2O4, right? So what is meant by this dimerization? Dimerization क्या हो जाएगा, दो NO2 आपस में कंबाइन कर कर N2O4 बना रहे हैं। दिस इज वॉट डाइमराइजेशन मीन्स। अगर तीन NO2 कंबाइन हो रहे होते और ऐसा कुछ N3O6 बना रहे होते तो इसको हम ट्राइमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो अगर N मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होते तो उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक डाइमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है एंड वी आर स्टार्टिंग विद द प्योर NO2 व्हिच देन डाइमराइजेस इनटू N2O4। सो इफ वी स्टार्ट विद द प्योर NO2 व्हिच डाइमराइजेस इनटू N2O4 एंड एवरेज मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर इज फाउंड टू बी 46 and 92, है ना? अगर स्टार्टिंग में सिर्फ NO2 है तो मॉलिकुलर वेट 46 रहेगा। अब मान लो ये पूरा कंज्यूम हो जाता है, सिर्फ N2O4 बचता है एंड में, तो मॉलिकुलर वेट 92 रहेगा, राइट? सो आई विल हैव टू गिव यू सम वैल्यू इन बिटवीन, से इट इज 60। ठीक है, इज फाउंड टू बी 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, डिटरमाइन द परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ डाइमराइजेशन। ठीक है, सॉल्व करो। व्हाट डू आई मीन बाय परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ डाइमराइजेशन? दैट इज द सेम थिंग, परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और परसेंटेज कंप्लीशन। ठीक है, जस्ट सिनोनिम्स है। ठीक है हर्ष, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आया गड़बड़ कहाँ हुआ आपका? आपने ये जरूर आइडेंटिफाई करा कि देखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 40 है। ठीक है, तो आपने क्या आइडेंटिफाई करा, एवरेज ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 होता है और ऑक्सीजन का 32 होता है और एवरेज 40 दिया हुआ है, मतलब दोनों इक्वल होंगे ना, दोनों इक्वल 50-50 होंगे, तो दोनों के मोल्स बराबर होंगे। तो आप वैसे भी कर सकते थे कि 1 - x = 2/3x, एंड इससे भी आप सॉल्व कर सकते थे, x would have come 3/5। What you incorrectly assumed was कि अगर composition 50-50 है तो मतलब reaction 50% हो रहा होगा, ऐसा नहीं है ना, ये reaction ऐसा a goes to b नहीं है ना, यहाँ पे coefficient है 3a and 2, जिसकी वजह से आपका आंसर मैच नहीं करा। ठीक है, सो आई होप यू रियलाइज दैट मिस्टेक दैट यू मेड। ठीक है, कमिंग बैक ये वाले क्वेश्चन के ऊपर, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, टेक एन अटेम्प्ट, लेट मी नो।
आया किसी का आंसर? सेम मेथडोलॉजी यू कैन अप्लाई. Right, this time, if you want, let me take a variable that starting में से A moles है, फिर X moles react कर रहे हैं, तो X by 2 produce होंगे, and end में you will have A minus X and X by 2. Does anyone have a problem with this analysis? Is anyone who is still not able to comprehend this analysis? फ्रैंकली बता दो, मतलब आई विल एक्सप्लेन. हाँ, वन भी मान सकते हो दक्ष, वन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. मेरी इच्छा हो रही थी, मैं वेरिएबल मान लिया. ठीक है, नाउ मैं एक बार देखता हूँ, मेरे को आंसर इसका देखना पड़ेगा. श्रव्य प्रशस्त, आपका आंसर वैसे लग रहा है मुझे सही है. ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्विकली. सो अब इसके बारे में बोला जा रहा है दैट यू नो, ये जो मिक्सचर है इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज बीइंग टोल्ड टू यू इज 60. ठीक है, सो यू विल से दैट 60 इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, एन वन एम वन प्लस एन टू एम टू अपॉन एन वन प्लस एन टू. ठीक है, तो ये हो जाएगा 46 ए अपॉन ए प्लस एक्स बाय टू. सो यू विल गेट, इससे x नहीं मिलेगा, a नहीं मिलेगा, बट आपको x अपॉन a की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सो 14 एंड 30, सो 14 बाय 30 आ रहा है. ठीक है, x बाय a का वैल्यू. नाउ ना x मिलेगा ना a मिलेगा, बट आप देखना है यहाँ पर परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स इनटू 100%. राइट, सो द मोल्स रिएक्टेड इज एक्चुअली व्हाट x एंड द इनिशियल मोल्स इज a. तो आपको x और a की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं चाहिए थी, आपको जो चाहिए थी एक्चुअली वॉज x upon a. So this becomes 140 by 3%, or roughly you can say 46.67%. ठीक है, is this clear? How we proceed with this question? Just mixing the concept of average molecular weight. ठीक है, and this is something which was possible because all these are gaseous species. अच्छा वो अभी आ गया क्या? Guys just give me 1 minute.
All right. So yeah, as I was saying that the concept of extent of reaction and average molecular weight ko combine karte hue bhi, let's say I have given you some questions. The approach is something which is important. Aap dekh rahe ho ki approach ka integral part kya hai. The approach is something which is pretty important here. ठीक है, as you can see, यहाँ पर पहला step आपका होगा reaction लिखना, दूसरा step होगा analysis करना, and then तीसरा step होगा जो भी हमें data मिला हुआ है उसको use कर equations बनाना. ठीक है, these are the generic steps that are being used in almost all the questions. ठीक है, तो अगर आपको स्ट्राइक नहीं होता है तो एटलीस्ट आप रिएक्शन लिखकर उसका एनालिसिस तो करो, एंड उसके लिए अगर वेरिएबल लेना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो. फिर डेटा यूज करके वही वेरिएबल को सॉल्व करने का काम हम लोग करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो दीज वर द रिएक्शंस और दीज वर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैड स्टडीड टिल नाउ. Now let me introduce to you another concept called as POAC. Principle of Atomic Conservation. Now, how does it work? Let's try to understand. So this is something which is pretty similar to balancing of reaction. Okay. Let me give you one or two lines summary over it, and then I'll explain how it works. So, during a chemical reaction, atoms are neither created nor destroyed. ठीक है, दे आर गोइंग टू बी कंजर्व्ड. पहले वो किसी और मॉलिक्यूल में थे, बाद में किसी और मॉलिक्यूल में चले जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी यूज इन बैलेंसिंग एज वेल. ठीक है, दिस सेम कॉन्सेप्ट is used in balancing of reaction. Ab aap observe karna, we can use this concept in case we do not have a balanced equation or we do not know about the equation properly. Theek hai, we can still use this concept to establish relationship between reactants and products even if we do not have a balanced equation. Okay, a balanced equation or complete knowledge about equation or reaction.
कैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करना. सो इफ यू रिमेम्बर अ सिंपल कंबशन रिएक्शन, सी एच फोर प्लस ओ टू इज गिविंग सी ओ टू प्लस एच टू. ठीक है. नाउ हाउ डू यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स? What you do is you balance the equation, get the coefficients, and then you write moles upon coefficient is equal to moles upon coefficient is equal to moles upon coefficient and so on and so forth. That's how you get a relationship between reactants and products. But this time, let's say I'm saying that balancing nahi karni hai. Theek hai? Without balancing, the reactions, can you give me a relationship between reactants and products? So this is where the concept of POAC comes in. Okay, let me apply the concept of POAC on oxygen as an element. Okay, so what the concept of POAC says is that number of moles, बोल लो आप, number of moles of oxygen atom on left hand side should be equal to number of moles of oxygen atom on right hand side. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कहां पे प्रेजेंट है? इन ऑक्सीजन गैस. ठीक है. सो इफ समवन गिव्स यू मोल्स ऑफ ओ टू, राइट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी देयर? यू विल मल्टीप्लाइड बाय टू बिकॉज ईच molecule of O2 has two oxygen atoms. Okay, so if someone gives you the moles of O2, you multiply it by 2. So you get the total moles of oxygen on the right hand side. Sorry, left hand side. Now right hand side par oxygen kahan kahan par hai? Right hand side par oxygen is in CO2 and H2O. Okay, so if someone gives you moles of CO2, then again you multiply it by 2 to get the moles of oxygen atoms, right? Each molecule of CO2 has 2 oxygen atoms. And if someone gives you moles of H2O, okay? If someone gives you moles of H2O, then you multiply that by 1 because each molecule of H2O has 1 oxygen atom. So this is like balancing only. But what you have got is an interesting observation here. What you have got is a relationship between reactants and products. Okay, this is your relationship between reactants and products without balancing the equation. Okay. Similarly, you could have applied POAC on other elements as well. Okay. If you would have applied POAC on hydrogen, so left hand side per hydrogen kahan per rahega? Methane mein. So if someone gives me moles of methane, how many moles of hydrogen atom will be there? 4 times the moles of methane. And right hand side par hydrogen kidhar hai? Water mein. So if someone gives me moles of water, then I'll multiply it by 2. And again, as you can see, I got a relationship between reactants and products without the need of a balanced equation. Okay. Now you may definitely think that isn't it a waste of time? Like we can simply balance it and apply the concepts that we had learned before this. Absolutely fine. Okay.
बट समटाइम्स ट्रस्ट मी व्हेन यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ इक्वेशन देन दिस मेथड एक्चुअली कम्स इन वेरी हैंडी. ठीक है, लेट मी गिव वन और टू एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा तो थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा. अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हल्का डिस्कम्फर्ट रहता है इसके साथ में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अ एग्जाम्पल. ये बुकलेट में ही क्वेश्चन है ऐसा. ठीक है, इन फैक्ट लेट मी काइंड ऑफ टेक दैट बुकलेट क्वेश्चन ओनली. All right. So let me put that question. ठीक है, इसमें लेट मी गिव यू द हिंट. I'll give you atomic weight of potassium, iron, zinc is 39, 56 and 65 respectively. ठीक है, that is the hint that I'm giving you. Now, using this, get me an answer. ठीक है, देर इज नो अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई कैन फर्निश. जस्ट यही क्वेश्चन है आपके सामने. ट्राई एंड गेट एन आंसर. Right, so you definitely would be struggling with what is the reaction or how it is happening, right? So yahan par that is where when you are struggling with the reaction, POAC comes to the rescue. Ho kya raha hai isme? K2CO3. Now it is undergoing some series of reactions. I have no idea which reactions, but essentially the product that is getting formed that has been given to me, it is K2
Zn3 Fe Cn6 whole twice. ठीक है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस रिएक्टेंट एंड दिस प्रोडक्ट इज वॉट इज नीड टू बी फाउंड, ताकि वी कैन सॉल्व फॉर द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म. नाउ एज आई सेड यू हैव टू अप्लाई पीओएसी. ठीक है, ये थॉट आपके पास में आ जाता है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिएक्शन क्या होगी, बट किस एलिमेंट पर अब पीओएसी अप्लाई करना चाहिए, दैट इज क्वाइट क्रूशियल हियर. विच एलिमेंट शुड आई अप्लाई पीओएसी ऑन? देर आर टू कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है, देर इज पोटेशियम एंड कार्बन. ठीक है, बोथ आर द कॉमन एलिमेंट्स. नाउ वी लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? दैट इट इज कार्बन, ऑल ऑफ इट्स कार्बन इज कन्वर्टेड. तो क्वेश्चन आपको ये क्लैरिफिकेशन दे रहा है दैट यू शुड अप्लाई पीओएसी ऑन कार्बन. ठीक है, हो सकता है पोटेशियम माइट बी ऑल्सो गोइंग इन सम अदर प्रोडक्ट. नॉट ऑल ऑफ दैट पोटेशियम वुड बी कमिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, समझ में आया? मे बी गोज इन सम साइड प्रोडक्ट्स एज वेल. ठीक है, that is something which we don't know. That's why POAC on carbon apply करना है. ठीक है, अब left hand side पर if someone gave me moles of K2CO3, ठीक है, and I have to determine the moles of carbon that are coming from it, तो मैं कैसे करूँगा? I'll simply just multiply it by one here. ठीक है, and on the right hand side if someone gave me moles of what was the product, K2Zn, acha right, so if someone gave me moles of K2Zn3 FeCn6, just a second guys. तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से. एज यू कैन सी दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन्स 12 कार्बन एटम्स, राइट? सो नाउ आई हैव गॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सो यहां पर इट विल बी 1 × 27.6 अपॉन, नाउ इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे. So molecular weight of K2CO3 comes out to be how much? 39 × 2 + 60, 138. ठीक है, and इसका molecular weight I think कुछ 697 या 698 कुछ आ जाएगा. 2 × 39 + 3 × 65 + 12 × 12 + 14 × 12 = 697. यस, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको एम का वैल्यू मिलेगा. ठीक है, is this clear how we got to know and apply the concept of POAC? ठीक है, तो जहां पे भी आपको ऐसा लग रहा है, एंड ऐसा नहीं है, POAC का कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू सॉल्व मेनी प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो.
ठीक है, आई टेक वन और टू एग्जाम्पल्स, ठीक है, आई टेक वन और टू एग्जाम्पल्स. यू नीड नॉट हैव इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ रिएक्शन टू अप्लाई पीओएसी. पीओएसी कैन बी अप्लाइड इन प्रीवियस केसेस एज वेल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर देर वॉज दिस क्वेश्चन लॉन्ग बैक. लेट मी टेक, अपन लोगों ने सीरीज रिएक्शन कब पढ़ा था? नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था, सिंपल रिएक्शन के बाद में, राइट, सीरीज रिएक्शन का ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा था. सो राइट, लेट्स से दिस वाज अ क्वेश्चन, ठीक है, व्हाई कांट आई सिलेक्ट. Alright. So let's say this was the question जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, and it was something which had the following reactions involved. KClO3 was giving KCl plus O2, ठीक है, 2, 2, 3. This was one balanced equation. मैं बैलेंस भी कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई मुझसे पूछेगा, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पीओएसी कैन बी अप्लाइड टू बैलेंस्ड इक्वेशन एज वेल. ठीक है, सो दिस वॉज द वन रिएक्शन, एंड द अदर रिएक्शन वॉज अल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन वॉज गिविंग टू मी Al2O3. ठीक है, and 4, 3, 2. So this is the balanced equation. Now आपको बोला था that इसका 1 mole है, and how many moles of Al2O3 was being formed, है ना? Now what I could have done or what I did do previously was मैंने KClO3 से पहले O2 निकाला और फिर O2 से मैंने Al2O3 निकाला. ठीक है, आइदर आई कैन चूज दैट लॉन्गर अप्रोच और आई कैन ऑल्सो से दैट लेट मी अप्लाई पीओएसी ऑन ऑक्सीजन. ठीक है, कैन यू सी दैट द ऑक्सीजन इज कंजर्व्ड? जितना ऑक्सीजन KClO3 में था, वही का वही हम लोग यूज करके Al2O3 में लेके आ रहे हैं. राइट, नाउ if somehow I get the moles of KClO3, all I need to do is multiply it by 3 to get the moles of oxygen. And somehow if I get the moles of Al2O3, I need to multiply that also by 3 to get the moles of oxygen. ठीक है, coefficient doesn't matter. ठीक है, I could have very well changed the coefficients. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. अरे यार, देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट रीस्टार्ट वन नोट. सो या, एज आई वाज सेइंग, that if, or you can say, if I get the or apply POAC on oxygen, what will I get? That
KClO3 का अगर मोल्स मिल जाएंगे तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये ऑक्सीजन पूरा किधर जा रहा है, Al2O3 में. सो इफ समवन गिव्स मी मोल्स ऑफ Al2O3, देन ऑल आई नीड टू डू इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट द ऑक्सीजन ऑन द और द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट द एंड, एंड बोथ हैव टू बी इक्वल. ठीक है, राइट. यहां पर प्लीज नोट, कोएफिशिएंट डज नॉट मैटर. सबस्क्रिप्ट डज. ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है. आई कुड हैव वेरी वेल केप्ट द कोएफिशिएंट हेयर समथिंग लाइक 8, 6 एंड 4. क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा कोएफिशिएंट चेंज करने से. ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट माय आंसर एज 3 × 1 इज इक्वल टू 3 × द क्वेश्चन मार्क, एंड माय क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाता 1 मोल. सो दिस वुड हैव बीन अ मच फास्टर मेथड टू सॉल्व फॉर. ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको. ऑल राइट, सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ POAC, हाउ इट इज टू बी अप्लाइड. लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन टू अप्लाई इट ऑन. ठीक है, एंड आपको क्वेश्चन पढ़ के स्ट्राइक होगा. ठीक है, टेक एन अटेम्प्ट. एंड आई हैव नथिंग एल्स टू से, वॉट एवर इज देयर इन फ्रंट ऑफ क्वेश्चन दैट इज इट. डोंट आस्क मी एनीथिंग, ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम. आपके सामने आ गया एक नया सा क्वेश्चन, अब आपको हैंडल करना है, तो आप कैसे हैंडल करोगे?
आया आंसर, शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. द आंसर शुड कम आउट टू बी 0.25 मोल्स. यस, ग्रेट. सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट सल्फर प्लस O2 इज गिविंग SO2. ठीक है, ये रिएक्शन मुझे पता है, समझ में भी आता है. बट इस SO2 के साथ में क्लोरीन वाटर, आई डोंट नो रियली व्हाट द रिएक्शन इज. ठीक है, एंड देन दिस समथिंग दैट इज फॉर्म्ड इज रिएक्टेड विद BaCl2 टू समहाउ गिव यू बेरियम सल्फेट. ठीक है, एंड यू आर बीइंग आस्क्ड दैट how many moles of barium sulfate are going to be produced. theek hai, so the thing is that the only option that is left for you is to apply POAC on sulfur. theek hai, why sulfur? because wahi ekmatra common element dikh raha hai between the two species that are to be connected. So 1 × moles of sulfur should be equal to 1 × moles of barium sulfate. ठीक है, so 1 × 8/32 and you'll get your answer of moles of barium sulfate to be 1/4. ठीक है, so this is pretty straightforward. It's just that अभी तक इसके पहले whatever questions we were doing, our habit was to you know apply balanced equation and then do the analysis. theek hai, sometimes you can just cut through that analysis using the concept of POAC. theek hai, bahut hi jaldi, bahut hi swiftly aapka answer aata hai, and sometimes when then it is quite a difficult question also, then also POAC helps. theek hai, जैसे लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लेट मी टेक दैट फ्रॉम द बुकलेट अगेन, एंड दिस टाइम स्लाइटली बिट मोर डिफिकल्ट फ्रॉम द एक्सपर्टीज अटेनर सेक्शन दिखाते हैं. ठीक है, तो यहां से लेट्स पिक दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ डोंट आस्क मी what is what reaction, just the information that is given to you is what you have. theek hai, yahi aapke samne information hai. see if you can solve, take an attempt. तो इसमें मैंने एक और परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया है. ठीक है, सो लेट्स सी.
आया किसी का आंसर? अच्छा हिंट चाहिए। सो हाँ गौतम, देर इज नो रिएक्शन, मतलब देर इज अ रिएक्शन इफ यू नो वर्ड्स एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शन, बट लेट मी गिव यू अ हिंट। द हिंट इज इन दिस फॉलोइंग मैनर दैट यू हैव इथेन C2H6, ठीक है, एंड आपने उसके ऊपर कुछ तो रिएक्शन करा कॉल्ड एज ब्रोमिनेशन, मोनो ब्रोमिनेशन, ठीक है, डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड देन पोज दैट अनदर रिएक्शन कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन हैपेंड, अगेन डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट या इट सेज दैट इन द एंड C4H10 इज फॉर्म्ड, ठीक है, ब्यूटेन इज फॉर्म्ड, एंड ब्यूटेन का 55 ग्राम बनाना है एंड मुझे कितना रिएक्टेंट लगेगा वो पूछा जा रहा है, ठीक है, विद एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ब्रोमिनेशन का 90% यील्ड है एंड वर्ड्स रिएक्शन का 85% यील्ड है। ये थोड़ा सा नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट दिस इज व्हाट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, आई हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बट आई डोंट नो द रिएक्शन, सो डेफिनेटली आई कम टू द चॉइस ऑफ अप्लाइंग POAC. Now, which element do I apply POAC on? Okay, that is the catch here. So, यहाँ पर I would advise you to apply POAC on carbon. ठीक है? Avoid POAC on H and O in general. Hydrogen and oxygen because they are many times part of side products as well. So you might, since you do not have the knowledge of those side products, so better avoid applying POAC on hydrogen and oxygen if you have a choice. ठीक है, so यहाँ पर simply carbon के ऊपर आप POAC apply करो and let's see if you are able to capture this new percentage yield part also in your problem solving. अब बताओ, इतना बड़ा hint दे दिया मैंने. Like I've almost done 50% of the question for you. आया कुछ आंसर? ऑलराइट, सो देयर आर हर्ष का नहीं, गौतम नहीं, प्रशस्त नहीं, नॉट करेक्ट, देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई क्या? गौतम व्हाट विल बी द सेकंड इक्वेशन, मतलब आप प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ रहे हो क्या? ये एक्चुअली मतलब वैसे तो मुझे पता है रिएक्शन क्या होता है, इट इज एक्चुअली SO2Cl2, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज अ कॉमन पीस ऑफ नॉलेज, सो लेट्स से मुझे नहीं पता था तो क्या होगा, ठीक है, ऑलराइट, सो लेट मी टेक अ हिट एट दिस क्वेश्चन. When I apply POAC on reactant, so कैसा रहेगा
2 into moles of C2H6 should be equal to 4 into moles of C4H10. This is what I should have arrived by on applying POAC on carbon. However, यहाँ पर दो important चीज हैं. यहाँ पर कुछ additional piece of information आपको दिया जा रहा है regarding the yield of the reactions. ठीक है, there is 90% yield of bromination and 85% yield of Wurtz reaction. तो इसको हम लोग कैसे अब incorporate करेंगे इस equation में, आप देखना. This is what we started with, this much carbon or this many moles of carbon atom. Now as part of the first reaction, uska 90% aage ja raha hai, and jitna gaya uska 85% then aur aage ja raha hai. Theek hai, so this is what yield of reaction was, that if it had been 100%, so I would have just I would have done nothing. I would have just left the equation. But यहाँ पे 100% आगे नहीं जा रहा है ना, कुछ percentage ही आगे जा रहा है, left to right. That is what yield means. So that is how I incorporate that yield का factor over here. ठीक है. So I hope you got it. And now you just need to apply that this will be the volume upon moles will be volume upon 22.4. into 90 by 100 into 85 by 100 is equal to 4 into 55 iska mass diya hua hai, 58 iska molecular weight hai, and as a result you will get volume. The answer will come out to be around 55 liters or something once you solve for it. Theek hai, ek bar dekh lo, samajh mein aaya na. So slightly tricky tha question. Isme what I did was I introduced the percentage yield ka concept also along with POAC. Check it. Is this clear with everyone? All right. So, और भी बहुत सारे questions हैं. See, questions का कोई end नहीं. I can keep on giving you more and more questions on how to apply POAC in different questions. But bottom line यही है that you should now practice many questions in order to grasp this part of stoichiometry and develop a problem solving approach for it. ठीक है, so हम लोगों ने ये second part भी chapter का complete कर लिया है, which is the stoichiometry part. Now there is only one part which remains, and that is concentration terms. ठीक है, so before I jump, इसमें मेरे को दो lecture लगेंगे concentration terms में. So by the end of this week, we should be able to complete the chapter itself. ठीक है, now before going into the concentration terms, what I would want to understand from you guys is that how is your progress in terms of the homework that has been given to you in terms of the kind of problem solving habits that I wanted to help you develop. Okay, so give me some idea, give me some feedback. See, because earlier it used to happen in the classes that I could actually be in person and check your progress in terms of how you have written the notes, how much homework you have done, how much scribbling you have done in your booklet. ठीक है, and उसमें especially लड़कियां तो अपनी booklet को मतलब एकदम ऐसा frame करके रखने वाली situation में रखती हैं, like they don't even do a single pen का निशान on the book, and that is somehow like I don't understand that why you do not
यूज दैट बुकलेट टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू नो मार्क डाउन एनी केयरलेस मिस्टेक्स दैट यू मेड वाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। सो जितना स्क्रिबल्ड बुकलेट रहता है मुझे तो उतना अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत करी गई है इसके ऊपर। सो ऑल दोज थिंग्स राइट नाउ आरंट द यू नो पार्ट ऑफ द मेथोडोलॉजी दैट वी आर अडॉप्टिंग हेयर। दोज थिंग्स आर समथिंग विच यू नो आई एम थरली मिसिंग बिकॉज ऑफ विच देर इज दिस फीडबैक दैट ऑन गोइंग बेसिस पे विच यूज टू कम इज नॉट कमिंग। सो आई विल जस्ट लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद यू गाइज टू अंडरस्टैंड हाउ इज द प्रोग्रेस हैपनिंग ऑन द होमवर्क फ्रंट। हाउ आर द थिंग्स हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ कम्फर्ट विद दिस न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। Anyone who would want to share some insights? Again, this is something I'm missing because if no one speaks, then I used to pick the guy with the weirdest hairstyle and ask him or her, lesser of her, because girls do not really mess around with their hair, but yeah, boys do. अब मुझे ऐसे रैंडम चॉइस निकालनी पड़ेगी। ऑल राइट सो ग्रेट हर्ष। हर्ष तुम्हारा तो मेरे को समझ में आ रहा है, यू आर क्वाइट प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ answering your questions and doing the homework. Let me pick up some names who were active in the beginning but have kind of now lost. Asit, can I unmute you and can you give me a feedback? Over the last two classes, तुम्हारा participation थोड़ा drop हो गया है, so would want to understand. हाँ सो असित आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। ठीक है लेट मी नो। यस सर। बताओ अभी आपका प्रोग्रेस कैसा है? सर फिलहाल होमवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब खुद से सम्स प्रैक्टिस करता हूँ तो बीच बीच में कभी गलतियां हो जाती है, ठीक है तो उस टाइम पे वो बार बार वो यूट्यूब पे जाके आपका वीडियो चेक करते रहता हूँ। ठीक है। एंड मतलब क्या उससे आपको कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ रहा है? स्ट्राइक हो रहा है? हाँ अभी साइमल्टेनियसली करते रहता हूँ तो आ जाता है, अगर बीच में कभी किसी और सब्जेक्ट की वजह से अगर गैप पड़ जाए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगली बार में। आई अंडरस्टैंड। अभी देखो कैसा है ना दैट आप लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट करा है एंड इवेंचुअली आप लोगों को सेम सिलेबस कवर करना है एज दी अदर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बोला था दैट थोड़ा सा आपका अभी वर्कलोड ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जिन स्टूडेंट्स ने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है यस सर। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना ही पड़ेगा ताकि लेट से आफ्टर अ मंथ और टू हम लोग सिमिलर टाइम स्केल सिमिलर स्पीड पे आ पाए। एंड क्लास में कितना प्रोग्रेस करना है कैसे प्रोग्रेस करना है वो चीज़ तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है बट होमवर्क में आप लोगों को यू नो उसका भी मैं एक तरीके से टेक केयर कर रहा हूँ बाय गिविंग यू असाइनिंग यू कि क्या होमवर्क करना है एंड कैसे करना है। बट वो होमवर्क आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो चीज़ मुझे नहीं पता पड़ पा रही है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर लैगिंग बिहाइंड ऑल्सो टू यू नो थोड़ा सा आप यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स कि मुझे अभी कवर अप करना है। ठीक है आप ऐसे रिलैक्स्ड मत रहो जब तक आपका कवर अप हो नहीं जाता है आपका सेम लेवल तक यू नो जहाँ तक हमारा करंट लेक्चर्स का प्रोग्रेस चल रहा है वहाँ तक का होमवर्क नहीं हो जाता है। यस सर। ठीक है गौतम कुछ कहना चाह रहे हो? लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम यू एज वेल।
आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू एज वेल, बोलो। गौतम कैन यू हेयर मी? नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मे बी देयर सम प्रॉब्लम विद योर माइक्रोफोन। तुमने कंप्यूटर ऑडियो से कनेक्ट किया है ना? हाँ ठीक है, चलो लेट इट बी। योर माइक डजंट वर्क, बट ओके, लेट मी देन स्पीक आउट लाउड योर क्वेश्चन। योर क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट some questions are easy while some questions have difficult approach. ठीक है, I have done till lecture 3 homework because I had joined late. Okay. Then उसके बाद आपने बोला है and also some questions I don't quickly get the problem solving thinking. ठीक है, so in terms of homework progress ना गौतम, आपने अगर सिर्फ lecture 3 तक का homework करा है तो अभी आप काफी पीछे चल रहे हो, मतलब ठीक है। एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज आपने लेट ज्वाइन करा है, लेकिन आपको क्विकली कवर अप करने का जरूरत है, ठीक है। एंड इन दैट कवरिंग अप, ठीक है, जस्ट ऐसा नहीं होगा कि लेक्चर्स आपने कवर अप कर लिए तो आपको वही लर्निंग आ जाएगी जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब लर्निंग में आप लोग जितना एफर्ट डालोगे, आप लोग जितना होमवर्क सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस करोगे, डाउट डिस्कस करोगे, दैट इज गोइंग टू एक्चुअली बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ हाउ मच यू आर लर्निंग, ठीक है। मुझे अगर आप लोगों को कवर अप कराना ही था तो मैं वो जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता ना टू स्टार्ट विद, कि ये देखो ये है पूरा चैप्टर, ये प्लेलिस्ट है, अब अपने हिसाब से बैठो घर पे, जब पढ़ना है तब पढ़ो, जब मन कर रहा है तभी पढ़ो। एंड व्हाट हैपेंस इज देन द इफेक्टिवनेस इजंट देयर व्हेन यू सिट इन अ लेक्चर विद कंप्लीट फोकस एंड हैव द अपॉर्चुनिटी टू यू नो सॉल्व ऑन द गो, तब आपकी लर्निंग ज्यादा रहती है, ठीक है। मेनी टाइम्स व्हाट आई हैव सीन वीडियो लेक्चर देने के बाद भी स्टूडेंट्स को क्या रहता है, दे जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ा दिया देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा दिया देख लेते हैं। अरे आप कोई रिव्यू थोड़ा ना कर रहे हो मेरे वीडियो लेक्चर का कि एंड में आप जाके मुझे फीडबैक दोगे कि हाँ सर एक्सेलेंट लेक्चर या पथेटिक लेक्चर, वो नहीं हो रहा है। अगर आप कवर अप भी कर रहे हो तो ट्रीट इट समथिंग लाइक अ टास्क टू बी डन ऑन द गो। मैंने क्वेश्चन दिया, पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, एफर्ट डालो उसमें, नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ के देखो कि सर ने कैसे किया है, एंड देन चेक इट आउट what mistakes you made or where did you get stuck or is there something new that you learned. So all these things are actually something which come from a live environment only, and this is something which becomes difficult to simulate if you are just trying to cover up, theek hai. So ensure that wo effort aapki taraf se aana zaruri hai. All right, then there is this another doubt from Om. Om ka doubt kya hai? I am getting jumbled between subjects and as a result lagging behind. I completely understand Om, because abhi physics, chemistry, maths teenon mein aapko you know ensure kara ja raha hai that you know we are covering up adequately taki aisa na ho ki hamara 2 mahine ka jo gap hai wo bana hi rahe, ठीक है। सो आपको अगर जम्बल्ड अप फील हो रहा है तो उसमें मेरा एक ऑनेस्ट एडवाइस आपको यही रहेगा, डोंट लीव एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिहाइंड, ठीक है। ऐसा मत करना दैट एक पूरा हफ्ता चला गया और आपने केमिस्ट्री खोल के नहीं देखा, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक कि बाद में देख लूंगा, बाद में कर लूंगा, मुझे अभी मैथ्स एंड फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है। द मोमेंट यू नो लीव बिहाइंड वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, उसमें प्रॉब्लम ही हो जाएगा, फिर आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही गड़बड़ हो जाएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम इन बिटवीन। तो
इट्स क्वाइट नॉर्मल, एवरीवन अराउंड यू इज आल्सो जगलिंग बिटवीन द सब्जेक्ट्स, ठीक है। थैंकफुली अभी 11th क्लास में आपके तीन ही सब्जेक्ट्स में आपको जगल करना है, यू डोंट हैव लैंग्वेजेस, यू डोंट हैव सोशल साइंसेस राइट नाउ, एंड इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आल्सो समथिंग व्हिच इज द क्रूशियल पार्ट, ठीक है। तो टेक आउट टाइम टू वर्क ऑन दोस प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट आई कैन एडवाइस टू यू। ओके, श्रव्या का डाउट है द मूल कंसेप्ट असाइनमेंट टू वाज ट्रिकी, यस डेफिनेटली। जो असाइनमेंट में मैं क्वेश्चंस भेज रहा हूँ एंड वो अबव एवरेज डिफिकल्टी के हैं श्रव्या, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू गेट स्टक इन दोज क्वेश्चंस, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को मूल कंसेप्ट का असाइनमेंट 3 भेजूंगा, तो उसमें तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एंड उसमें तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, बट इट इज ओके, दैट इज द पार्ट ऑफ इट। मतलब इफ यू आर एबल टू डील विद द क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बुकलेट में, ठीक है। बुकलेट में एक्चुअली बहुत ही ऑप्टिमल लेवल के क्वेश्चंस को डाला गया है, दे आर नाइदर टू इजी, दे आर नाइदर टू डिफिकल्ट, दे आर इन अ प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, एक लर्निंग कर्व के साथ डाला गया है। तो राइट नाउ गेटिंग कंफर्टेबल विद बुकलेट विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, एंड देन द असाइनमेंट्स वुड बी समथिंग विच आर अ लिटिल डिफिकल्ट इन नेचर, तो दैट्स ओके, वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं फॉर यू टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। व्हाट आई एम आल्सो प्लानिंग टू डू अलॉन्ग साइड विद दिस इज दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम बेस्ड असाइनमेंट्स, और यू कैन से टाइम बेस्ड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो अभी तक आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, होमवर्क एंड ऑल जो भी कर रहे हो, उसमें यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनी टाइमिंग एंड ऑल, ठीक है। यू गाइज आर जस्ट इंश्योरिंग कि हाँ, मतलब होमवर्क दिया है अभी इसको खत्म करना है अब, लेकिन क्योंकि जब एग्जाम होगा, जब टेस्ट होंगे, तो उसमें टाइम्ड मैनर में आपको चीजें करनी होंगी। सो आई एम गोइंग टू शेयर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद यू, जिसमें देर विल बी अ स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपको उसको कर लेना चाहिए, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग दैट बाय टुडे इटसेल्फ, ठीक है, एंड अगेन दैट इज समथिंग ऑप्शनल। नंबर वन प्रायोरिटी विल बी टू सॉल्व योर होमलेट, सॉरी होमवर्क फ्रॉम द बुकलेट, ठीक है, एंड ओवर एंड अबव दैट इफ यू गेट टाइम, ठीक है, इफ नॉट टुडे मे बी आज से 1 महीने बाद जब आपका टेस्ट होने वाला हो, तब भी आप वो असाइनमेंट्स को पिक करके ट्राई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अभी के अभी करना है, ठीक है। तो यू कैन कीप बिल्डिंग दैट रिपोजिटरी एंड देन वर्क ऑन इट एट लेटर पार्ट ऑल्सो, ठीक है, जो भी असाइनमेंट्स एंड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगा। बट बुकलेट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बुकलेट से जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, दैट इज टू बी डन इन टैंडम विद व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास, दैट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, सो प्रांजल का नॉट कंफर्टेबल विद ऑनलाइन सेशंस, आई कैन एम्पथाइज, ऑल दैट आई कैन से इज आई कैन एम्पथाइज, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। देन तन्मय, सर थिंग्स we are learning many concepts and only basics, we have to cope up with many advanced topics. हाँ तन्मय, ये थोड़ा सा एक change है, मतलब see actually 10th class को you know over the years 10th class का syllabus, 10th class के numbering, grading सबको dilute कर दिया गया है, सबको easy बना दिया गया है, ठीक है। बिकॉज 10th क्लास तक कैसा होता है, इट इज ऑलवेज अबाउट द एब्सोल्यूट मार्क और द परसेंटेज, ठीक है, रैंक के बारे में इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट अब जैसे 11th एंड 12th में आ गए हो आप, एंड आपको फिर कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो उसमें क्या है, अब रैंक मैटर करेगा। तो दैट इज वेयर वॉट हैपन्स इज दैट देर इज अ चेंज इन द you know level of learning as well as the kind of exposure that you get. So starting ke you know kuch months tak ye problem persist karti hai, matlab this is something which takes some time for an individual to you know get used to. Now I'll give you my personal example. I was studying at Bansal Classes Kota, मतलब ये 2005
एंड सिक्स का बात है, ठीक है. 2005 इज व्हेन आई क्लियर्ड माय 10th एग्जामिनेशन, एंड 2005 एंड 2006 इज व्हेन आई स्टडीड इन बंसल, राइट. तो उस टाइम पर आई आल्सो वाज स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग दैट वंस आई स्टार्टेड, यू नो, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था चीजें. आई यूज टू बी एबल टू ग्रास्प द इजियर कॉन्सेप्ट्स, बट स्पेशली स्टार्टिंग में फिजिक्स में तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुई थी. अभी आप लोगों का काइनेमैटिक्स स्टार्ट हुआ है क्या? फिजिक्स में नहीं ना? हाँ, तो मतलब थोड़े आंसू आएंगे थोड़े टाइम बाद, बिकॉज मुझे याद है जब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑल पढ़ा था. ठीक है, स्टार्टिंग का काइनेमैटिक्स तो फिर भी इजी है जब 1D में डील करते हैं, 1D मोशन में. लेकिन जब 2D मोशन में आते हैं तो मतलब काफी डिफिकल्टी फेस करी थी मैंने उस टाइम पे. एंड दैट कैन बी समथिंग विच इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स विद सर्टन अदर टॉपिक्स एज वेल. बट वॉट आई रियलाइज लेटर वॉज दैट विद द हेल्प ऑफ रिविजन्स, ठीक है, आई वॉज एबल टू रैप माई हेड अराउंड द कॉन्सेप्ट. बट वो एक इंडिविजुअल लेवल पर एफर्ट मुझे डेफिनेटली डालना पड़ा था. मतलब देर वॉज नो वन टू चेक माई नोटबुक, देर वॉज नो वन टू आस्क डाउट्स. मतलब इनफैक्ट कोटा में तो आप लोगों को, आई डोंट नो इफ यू वुड नो और दिस अबाउट और नॉट, बट वहाँ पर एक साथ 100-150 स्टूडेंट्स तो एक ही क्लास में बैठते हैं ऑफलाइन में भी. तो उसमें इट यूज टू बी अ चैलेंज टू यू नो कीप अप विद द स्पीड समटाइम्स. एंड दैट इज वेयर देन आई रियलाइज दिस दैट इफ आई हैव टू यू नो गेट बेटर एट सम पर्टिकुलर टॉपिक सब टॉपिक, तो आई विल हैव टू डेवलप दैट गो गेटर एटीट्यूड. आई विल हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट इन टू इट, एंड आई विल देन डू रिविजन, डू रीसॉल्विंग ऑफ दोज क्वेश्चंस इन माई फ्री टाइम, ठीक है. एंड देन आई यूज टू प्रायोरिटाइज माई स्टडीज ओवर अदर एक्टिविटीज, एंड देन आई वॉज एबल टू गेट अ ग्रिप ऑन इट. ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट अ ग्रिप ऑन इट, बिकॉज द कॉन्सेप्ट आर डिजाइंड इन दिस मैनर दैट आप समझ जाओगे. इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम आप में से किसी को भी नहीं आएगा. इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत एक्स्ट्रा पड़ेगी. 10th क्लास के पहले इट वॉज इन द केस. 10th क्लास के पहले तो मुझे पता है कि आप लोग कितने कंफर्टेबल रहते थे. लाइक स्कूल में हो रही है पढ़ाई, चल रही है, बोर्ड आने वाला है, बोर्ड एग्जाम्स के 2-3 महीने पहले पढ़ के भी यू गाइज यूज आर केपेबल ऑफ स्कोरिंग 90% अबव. बट वो चीज अब यहाँ पर नहीं हो पाएगी. यहाँ पर आपको टाइम एंड अगेन ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट इज समथिंग विच इज अ चेंज फ्रॉम योर यू नो मेथडोलॉजी व्हेन यू यूज टू स्टडी इन योर 10th क्लास टू नाउ व्हाट इज देयर इन द 11th एंड 12th क्लास, ठीक है. एंड प्रशस्त की तरफ से मुझे एक क्वेश्चन आया. आई एम प्रिटी श्योर प्रशस्त ने नहीं पूछा है, प्रशस्त के पेरेंट्स ने पूछा होगा दैट शुड स्टूडेंट्स लिसन टू म्यूजिक व्हाइल सॉल्विंग होमवर्क. द यू नो आंसर इज नॉट अ यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड येस और नो. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट. समटाइम्स स्टूडेंट्स लिसन टू म्यूजिक व्हाइल सॉल्विंग देयर क्वेश्चंस बिकॉज द म्यूजिक गोज इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग एल्स फेड्स अवे एंड दे आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिट, ठीक है. दैट इज वेयर देयर फोकस इज, नॉट द म्यूजिक. बट इफ इट इज हैपनिंग इन द मैनर दैट अ स्टूडेंट इज लाइक एस्केपिंग फ्रॉम होमवर्क एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ट्राइंग टू गिव एन इम्प्रेशन टू द पेरेंट्स कि हाँ मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना, मेरे सामने तो बुक खुली हुई है, अब मैं म्यूजिक खोलूँ, मैं भी म्यूजिक पढ़ूँ कि क्या म्यूजिक सुनूँ कि क्या सुनूँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आपको. तो देन इट इज द स्टूडेंट हिमसेल्फ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है. तो मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यू नो एट्रीब्यूट नोटिस करा है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के साथ में, इज दैट दे आर यू नो ऑलवेज ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स, ठीक
ठीक है, आप लोग इतने समझदार हो कि आपको बेवकूफ बनाना है तो आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, पेरेंट्स को बेवकूफ बना सकते हो, मतलब देर आर मोर एंड मोर क्रिएटिव वेज दैट आई कम टू नो एवरी ईयर, ठीक है, बट आप खुद को बेवकूफ नहीं बना सकते, ठीक है, सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड वॉट वर्क फॉर यू बेस्ट. इफ इट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, देन स्टे अवे फ्रॉम इट. इफ इट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू, ठीक है, एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इज समटाइम्स हेल्पफुल, दैट इज समथिंग विच आई हैव सीन. एंड यू नो आई माई सेल्फ आई एम नॉट वेरी मच इन टू लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन एंड ऑल, बट या आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस जर्नी हैव द हैबिट ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, सो दैट्स ओके, बट देन आई नो दो स्टूडेंट्स दे वर ऑनेस्ट विद देयर प्रेपरेशन, तो उनको ऐसा नहीं था कि उनको गाना सुनना था इसके लिए वो लोग ईयरफोन लगा के बैठते थे, उनका ऐसा था दैट इट जस्ट हेल्प्स पुट थिंग्स इन द बैकग्राउंड एंड लेट्स देम फोकस ऑन देयर स्टडीज एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, सो ऑल राइट गुड, सो आई थिंक एक बैकग्राउंड मुझे आप लोगों से मिला है एंड प्रिटी मच व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हाँ ऑन दीज लाइंस यू नो द थिंग्स शुड बी, एंड थोड़ा सा आपको एक प्रोएक्टिव एफर्ट एज आई सेड डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द होमवर्क फ्रॉम द बुकलेट इज बीइंग डन ऑन द ऑन अ टाइमली मैनर. ठीक है, दैट इज व्हाट द की टेक अवे फ्रॉम दिस 10-15 मिनट डिस्कशन दैट आई डिड. ठीक है, प्लीज डू नॉट लैग बिहाइंड इन योर होमवर्क. ठीक है, मेक श्योर द बुकलेट में आपको होमवर्क कराया जा रहा है वो आप एडिक्वेटली टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट, सो हम लोग अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक ब्रीदर. ठीक है, अभी 12:42 हुआ है, लेट्स रिज्यूम एट 12:50. ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, टेक योर आईज अवे फ्रॉम द लैपटॉप, डू सम स्ट्रेचिंग, ड्रिंक वाटर, ईट समथिंग. ठीक है, वी विल रिज्यूम आफ्टर 10 मिनट्स. ठीक है,
ऑल राइट ठीक है गाइस, लेट्स resume from where we had left. Now let me introduce the concept of concentration terms. Now, this is something which is in addition to the introductory concepts that we were learning. आप लोगों को मास, मोल्स, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज मिलती थी या पूछी जाती थी फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो उसी में हम एक और नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नो रिएक्शंस आर हैपनिंग इन अ सॉल्यूशन. राइट, सो इन दैट केस लेट्स से यू हैव सम एसिड सॉल्यूशन. तो एसिड सॉल्यूशन में कैसा होता है, जो एसिड है दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन. लाइक यू हैव से HCl सॉल्यूशन, सो इन दैट HCl वुड बी प्रेजेंट एंड वाटर वुड बी सॉल्वेंट. ठीक है, एंड दैट इज टू बी से रिएक्टेड विद अ बेस, से NaOH सॉल्यूशन. राइट, सो इन द प्योर फॉर्म, ठीक है, HCl वुड बी अ गैस. In the pure form, NaOH would be a solid. Okay, but when we are doing their reactions and all, we don't do the reaction of these pure substances. What we do is we make solutions out of them, and then use those solutions, store them in the solutions, and then make them react whenever required for whatever purpose we have. So it becomes important for us to understand more about these concentration terms, because lab mein while doing experiments not many times we use solutions and unke beech ka reactions. Right, so let me talk about the solution first. Right, solution is a combination of solute and solvent. ठीक है, now यहां पर observe करना, we are going to deal with the case of liquid solutions primarily. ठीक है, we are going to deal with liquid solutions. So iska matlab hoga that solvent has to be in liquid phase, baki jo solute hai wo aapka solid bhi ho sakta hai, liquid bhi ho sakta hai, gas bhi ho sakta hai. Theek hai, jaise for example aapne salt in water milaya to solid solute aur liquid solvent, aur fir salt usme pura dissolve ho gaya. Theek hai, आप लिक्विड प्लस लिक्विड का भी सोल्यूशन बना सकते हो. जैसे आपने इथेनॉल लिया और वाटर मिलाया और एक 60 ml बना दिया. राइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन. यू हैव गैस आल्सो समटाइम्स एज अ सोल्यूट, फॉर एग्जांपल इन योर सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा, CO2 गैस इज डिसॉल्वड इन द liquid solvent. So hum log primarily liquid solution ke upar focus karenge. The solvent will be in liquid phase, whereas solute can be in other phase,
एंड व्हेन डिसॉल्वड इट विल होमोजेनियसली मिक्स, राइट? सो सॉल्यूशन का डेफिनेशन कैसा रहेगा? सॉल्यूशन विल बी अ होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, होमोजेनियस होना जरूरी है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. ठीक है, नाउ यहां पर ऑब्जर्व करना, इफ वी टॉक अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन, एक टर्म यूज करा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन, तो इसमें एक सॉल्यूट होगा. ठीक है, देयर इज वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट. ठीक है, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट. Sometimes you can make more complicated solutions by introducing many solute particles, different types of solute particles. जैसे आपने let's say सिर्फ glucose पानी में मिलाया, तो ये example हो गया binary solution का. But आपने अब उसी में let's say नमक भी add कर दिया, नींबू भी add कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, different different solute add कर दिए, तो it will become a slightly more tricky or a more complicated solution. ठीक है, now as part of this chapter हम लोग major time तो binary solution के साथ में deal करेंगे, but sometimes you might also come across questions जिसमें there are many or multiple solute particles also, that is absolutely okay. ठीक है, we'll see how it works. Now also a very important point to note that concentration terms are defined for dissolved species only. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सैंड मिला दिया पानी के अंदर एंड आप उसका आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन कर रहे हो. सैंड पानी में मिक्स नहीं होता, डिजोल्व नहीं होता, उसका ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा. यू विल एंड अप मेकिंग जस्ट अ हेटरोजीनियस मिक्स. सैंड नीचे सेटल हो जाएगा, वाटर ऊपर रहेगा, एंड इट विल नॉट बी समथिंग जिसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स are going to be defined for dissolved species only. Now let's get into the details of these concentration terms. So there will be many concentration terms that we will be studying. Isme sabse pehla concentration term rahega aapka molarity. Theek hai, now what is meant by molarity aap observe karna. So molarity of a solute in solution is defined as moles of solute dissolved, ठीक है, upon volume of solution इन लीटर्स. ठीक है, यूनिट मैटर करेगा. सो यूनिट्स क्या रहेंगे इसके, यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी विल बी मोल पर लीटर. और वी ऑल्सो कॉल दिस एज मोलर, MOLAR, वी डिनोटेड यूजिंग कैपिटल M. ठीक है, समटाइम्स वी रिप्रेजेंट मोलारिटी यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये सिर्फ इसी के लिए है
बाकी और किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर मोलारिटी दैट वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, यू विल सी व्हाइल वी आर गोइंग टू डू एंड डिस्कस क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस यूजिंग सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई हैव 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोस. ठीक है, C6H12O6. ठीक है, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोस. सो वी हैव 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोस मिक्सड इन 1 लीटर वाटर. डिटरमाइन द स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, व्हाट डज दिस मीन दैट आई एम आस्किंग यू टू डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोस. ठीक है, सो क्या आंसर रहेगा? एज यू कैन सी सिंपल है, मास ऑफ ग्लूकोज इज 18 ग्राम्स. मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोस इफ यू विल डू द कैलकुलेशन इज 180 ग्राम पर मोल. सो यू विल गेट मोल्स ऑफ ग्लूकोस. सो यू गॉट द न्यूमरेटर, इट विल बी 18 डिवाइड बाय 180, दैट इज 0.1. सो नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोस विल बी मोल्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स विच इज 100 ml. सॉरी 1 लीटर. यू गेट योर आंसर एज 0.1 मोलर. ठीक है, इसमें एक चीज और नोट करना दैट समटाइम्स यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू राइट मिलीमोल्स एंड वॉल्यूम इन ml. ठीक है, लेट मी काइंड ऑफ राइट इट डाउन हेयर इट सेल्फ. कई बार ऐसा होगा कि आपको डेटा जो रहेगा, ठीक है, हो सकता है दैट माइट नॉट बी कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इन लीटर्स. तो यू कैन ऑलवेज चूज टू राइट मिलीमोल्स ऑफ सल्यूट. ठीक है, मिलीमोल्स समझ में आता है आई थिंक आपको सबको, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन ml. ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन चूज टू राइट. ऑल राइट, सो ये आपका एक सिंपलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स था, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस स्मॉल स्मॉल लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, 117 grams of NaCl and say 95 grams of MgCl2 are mixed to form 10 liters solution. Okay, and I'm asking you to determine this. I'm asking you to determine the molarity of chloride ions. Try karo, let me know.
नहीं हर्ष, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ प्रशस्त आपका आंसर करेक्ट है, श्रव्या नहीं, हर्ष नहीं। क्या कर रहे हो, देखो कुछ केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो क्या? देखो क्या होगा, NaCl को जब आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। इफ यू हैव 117 ग्राम्स और यू कैन से 2 मोल्स, देन यू विल गेट द मोल्स ऑफ क्लोरीन टू बी इक्वल टू 2 मोल्स। सिमिलरली MgCl2 को जब आप पानी में डालोगे तो इट विल ब्रेक डाउन इंटू एम जी एंड सी एल माइनस आयंस। बट एज यू कैन सी दिस इज 95 ग्राम्स और आई शुड से 1 मोल, ठीक है, बेस्ड ऑन द मॉलिकुलर वेट। ये मैंने क्विकली कैलकुलेट कर लिया है। तो क्लोराइड आयंस कितने होंगे वापस से यहाँ पर, 1 इंटू 2 मोल्स। वाई? बिकॉज ईच MgCl2 हैज 2 क्लोराइड आयंस, सो द टोटल सी एल माइनस आयंस, टोटल क्लोराइड आयन विल बी इक्वल टू 4 मोल्स, ठीक है। सो नाउ वी यूज दैट टू गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन्स, इट विल बी 4 डिवाइड बाय द वॉल्यूम, दैट इज 10 लीटर्स, 0.4 मोलर मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देख लो कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, बट दिस इज समथिंग विच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ना, ठीक है। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होगा, तो 117 डिवाइड बाय 58.5 विल बी 2, ठीक है। अब ये मत पूछना कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 58.5 कैसे आया। सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का 35.5 है, सो दैट्स हाउ यू गेट द आंसर टू इट, ठीक है। सो लेट मी गिव वन मोर क्वेश्चन एंड आप लोग वापस से ट्राई करना।
ऑल राइट सो जीरो पॉइंट जीरो थ्री एन ए, एन ए से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ आयन्स बोले मैंने, मोल्स ऑफ आयन नहीं बोले, ठीक है। एंड मैं ऐसा ऑप्शन जरूर डालूंगा क्वेश्चन में, एक 0.03 होगा, एक 0.03 एन ए होगा। डेफिनेटली केयरलेस मिस्टेक्स के नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर नोटिस करना, मैंने नंबर ऑफ आयंस पूछा था, ठीक है। सो यहाँ पर आप नोटिस करना, डेटा दिया हुआ है FeCl3 का 0.1 मोलर, सो इट विल बी मोल्स ऑफ FeCl3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चाहिए तो लीटर्स में लिखना पड़ेगा, तो 0.1 विल बी एन अपॉन वॉल्यूम इज ऑल्सो 0.1 लीटर्स। सो यू गेट द मोल्स ऑफ FeCl3 आर 0.01। सो दिस इम्प्लाइज मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने हो जाएंगे, इट विल बी 3 × 0.01। वाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला FeCl3, ईच मॉलिक्यूल ऑफ FeCl3 हैज 3 क्लोराइड आयन्स। सो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स विल बी इक्वल टू 0.03 × Na, एवोगाड्रोस नंबर। दिस इज व्हाट विल गिव यू द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये केयरलेस मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है। जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ना यहाँ पर, वो केयरलेस मिस्टेक्स वाली बातें हैं, एंड इट विल रियली रियली यू नो हेल्प यू इफ यू हाईलाइट दोज केयरलेस मिस्टेक्स, क्योंकि बाद में भी स्टूडेंट्स वही केयरलेस मिस्टेक्स रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। सो मेक अ हैबिट ऑफ हाईलाइटिंग दोज केयरलेस मिस्टेक्स, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। डिटरमाइन मोलारिटी ऑफ सीएल माइनस आयन्स इन अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन एंड 0.2 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन, ठीक है। देख के बताओ, समझ के बताओ। नहीं हर्ष, कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, देखो एक बार।
नहीं ईश्वरी, गौतम प्रशस्त, सेम केयरलेस मिस्टेक कर रहे हो। हाँ दीप, राइट, आपका आंसर करेक्ट है। सो प्रशस्त एंड गौतम, वॉल्यूम डबल हो जाएगा ना, आपने वो चीज अकाउंट में नहीं लिया दैट द वॉल्यूम विल गेट डबल्ड। हाँ राइट, अभी करेक्ट आंसर आएगा। सो लेट मी एक्सप्लेन, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इसमें दिस वर्ड मिक्सिंग इज द कैच। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट यू गॉट सम 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, एंड इसका से वी लीटर्स, एंड सिमिलरली यू गॉट 0.2 मोलर MgCl2 सोल्यूशन एंड इसका से वी लीटर्स, ठीक है। सो जब आप मिक्सिंग करके बना दोगे तो फर्स्ट थिंग विल बी टू आइडेंटिफाई दैट द टोटल वॉल्यूम विल बी 2 वी लीटर्स, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है सी एल माइनस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट विल बी टोटल मोल्स ऑफ सी एल माइनस, ठीक है, अपॉन द टोटल वॉल्यूम। नाउ टोटल वॉल्यूम तो वी प्लस वी हो गया, 2 वी लीटर्स। अब सी एल माइनस कहाँ कहाँ से आ रहा है, एन ए सी एल से आएगा। तो इफ यू विल नोटिस मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दिस विल बी मोल्स ऑफ एन ए सी एल इंटू वन, बिकॉज ईच एन ए सी एल हैज वन क्लोराइड आयन। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट एम जी सी एल टू, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दिस विल बी द मोल्स ऑफ एम जी सी एल टू, एंड नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय टू बिकॉज ईच एम जी सी एल टू हैज टू क्लोराइड आयन्स, राइट। सो दिस गिव्स मी द आंसर 0.25 मोलर, वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यू कुड हैव वेरी वेल टेकन 1 लीटर ऑल्सो, बिकॉज वी कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप 1 लीटर लो 10 लीटर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा मुझे वैल्यू का, ठीक है, तो वी कैंसल्स आउट। तो ये पार्ट समझ में आया। सो दीज आर द आई शुड से क्लोराइड फ्रॉम NaCl, एंड दीज आर द क्लोराइड फ्रॉम MgCl2। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच कम्स विद अ लिटिल बिट ऑफ मोर प्रैक्टिस एंड लिटिल बिट ऑफ मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मूला इटसेल्फ, ठीक है, बट है आसान ये, यू विल फाइंड दैट इट इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों को, समथिंग विच इज नाउ I'll take a question which will be mixing stoichiometry, ठीक है, with these concentration terms. तो simple question कराऊंगा, ठीक है. Determine the volume, ठीक है, in ml
ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। बताओ ये होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट। आया आंसर? ऑल राइट, सो विच इज द सल्यूट इन दिस क्वेश्चन? सो सल्यूट इज NaOH एंड H2SO4 रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर एक सल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, ये NaOH सल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें इट इज NaOH इन वाटर, ठीक है, एंड यहां पर से H2SO4 सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, विच इज H2SO4 इन वाटर, ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो सॉल्वेंट हम लोग वाटर ही मान लेते हैं टिपिकली स्पीकिंग। अब इनको मुझे मिक्स करना है और इनके बीच में रिएक्शन होना है, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन, NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, ये एक्वस हम लोग ऐसे डिजोल्व करते हैं, डिनोट करते हैं डिजोल्व स्पीशीज को, विल गिव यू, अब ये मत बोलना कि मुझे ये बैलेंसिंग करनी नहीं आती थी, ठीक है, दिस इज अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बैलेंसिंग एंड प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। तो अब मुझे अगर NaOH और H2SO4 के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो क्या होगा, वो मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टू, ठीक है, मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट, राइट, एंड नाउ हाउ डू वी गेट मोल्स, मोल्स विल बी द मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, राइट, एंड सेम गोज फॉर H2SO4, इट विल बी मोलारिटी ऑफ H2SO4 इनटू द वॉल्यूम ऑफ इट्स सॉल्यूशन, राइट। So NaOH दिया हुआ है 0.1 मोलर एंड उसका वॉल्यूम हमको निकालना है, ठीक है, अभी ml में निकालना है तो चलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी मैं ml ही रख रहा हूँ। इसका दिया हुआ है 0.2 मोलर इंटू 100 ml, ठीक है, आपको चाहिए तो आप लीटर्स में भी कर सकते थे दोनों जगह से, एंड यू विल गेट योर आंसर एज 400 ml, दैट इज व्हाट योर करेक्ट आंसर इज, ठीक है। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ आप लोग ऑब्जर्व करना हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। तो मेरा एनालिसिस मोल्स में ही था, ठीक है, मेरा बेसिक स्टेप्स वही थे, स्टेप वन राइट द रिएक्शन, स्टेप टू डू द मोल एनालिसिस, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ नाउ गेटिंग द मोल्स डायरेक्टली मुझे मोलारिटी और वॉल्यूम दे दिया है, तो दैट्स ओके, आई नो द रिलेशनशिप, मैं वहां से मोल्स लेके आ गया।
ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. दीप क्या पूछ रहे हो? POAC कैन बी यूज्ड ओनली ऑन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नहीं, POAC तो हम लोग एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं ना, वो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे भी होगा और प्रोडक्ट साइड पे भी होगा, एंड देन वी मेक द एटम्स और मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल. वॉज इट द यहाँ पर POAC क्यों यूज करना चाहोगे? What sense does it make to use POAC here? You will be unnecessarily complicating things. Simple data दिया हुआ है, easy to form equation, easy to balance है. आप apply कर सकते हो POAC में, apply करके इसमें भी answer दिखा दूंगा, ले आऊंगा, but not something which is required. अच्छा, सो ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग योर डाउट नाउ. यू आर सेइंग कि हम लोग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है तो POAC यूज करते हैं. यहाँ पर तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना था. हाँ 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 दैट वे राइट दीप, इसमें इट विल नॉट मेक सेंस टू अप्लाई POAC. रिएक्टेंट रिएक्टेंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है ना, तो यू जस्ट यूज द बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स. आई थिंक यही क्वेश्चन था ना आपका. ठीक है, ऑल राइट. सो आई थिंक या दिस इज टिल व्हाट वी वांटेड टू कवर टुडे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद दीज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ओनली, एंड आई विल शेयर द होमवर्क टू बी डन ऑन द ग्रुप. ठीक है, बुकलेट से आप लोग ट्राई करो एंड इंश्योर वही चीज दैट यू आर टेकिंग आउट टाइम टू यू नो कवर अप योर होमवर्क एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में देखो जितनी भी लर्निंग है वो क्वेश्चन के थ्रू ही आएगी. I'm again reiterating, questions are more important. Theory का part is मतलब बहुत ही थोड़ा सा. ठीक है, तो please ensure you are doing that homework. All right, let me now disconnect today's lecture. Thank you guys.